चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देख लेते हैं हैलोरिन का, उसकी अभिक्रियाओं से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, हैलोरिन की अनुनादी संरचना है। जब हम लोग हैलोरिन वाले चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो वहां पे हैलोरिन में अगर हम लोग देखें तो हैलोरिन क्या होता है कि एक बेंजीन है। बेंजीन में जब कोई हैलोजन क्या करता है, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ जाता है बेंजीन रिंग में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैलोएरिन, ठीक है। ये हैलो का मतलब हैलोजन, एरिन का मतलब बेंजीन रिंग से है, ठीक है। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कुछ अनुनादी संरचनाएं जा जाती है। क्लास 11 में जैसे अनुनादी गुण आपने पढ़ा होगा, अनुनादी संरचना, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग में अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित हो रही होती हैं पाई इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो हैलोजन है, इस हैलोजन के पास में कुछ इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, है ना। इस हैलोजन के पास में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो अनुनादी संरचना होती है उसमें ये प्रतिभाग कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होती है, इनकी एक विशेष अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं, और वहां से हमें पता चलता है कि ये किस तरीके के जितने भी हैलोरिन्स हैं, यानी बेंजीन के साथ में जो कोई भी हैलोजन लगा है, चाहे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, कुछ भी लगा है, तो वो हैलोरिन किस तरीके की अभिक्रिया देगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक अभिक्रिया देगा कि नाभिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही होगी कि नाभिक स्नेही होगी, दोनों में से किस तरीके की अभिक्रिया होगी, और जो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा तो आके जुड़ेगा कहाँ पे, आर्थो पे कि मेटा पे कि पैरा पे, कहाँ पे जुड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस इस अनुनादी संरचना से क्लियर होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं अनुनादी संरचना कैसे बनेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हैलोरिन की अनुनादी संरचना देखने जा रहे हैं। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। अब यहाँ पे हर पॉइंट पे कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अनुनादी संरचना में भाग लेने के लिए जैसे इसका इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे आ जाता है ना, ठीक है, जैसे यहां पे आएगा, सॉरी इसको थोड़ा सी ये बनाते हैं, ठीक है, यहां पे उल्टा, हाँ ठीक। जैसे ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनादी संरचना भाग लेता है, तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म में जैसे यहां पे आता है, ध्यान देना, इसको समझने के लिए आपको पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा, साथ में क्या करना पड़ेगा, इसको समझना है तो दो चीजें, तीन चीजें आनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग पता होनी चाहिए, जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन युग्म में दूसरे पे जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जिससे दूर जाता है उसके ऊपर आता है प्लस, जिसके ऊपर जाता है उसके ऊपर आता है माइनस, ठीक है। जिसके जिससे दूर जा रहा है उसके ऊपर प्लस, जिसके ऊपर जाएगा उसके ऊपर माइनस, और दो इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बनाते हैं, एक बंध बनाते हैं, ठीक है। और ये दो इलेक्ट्रॉनों का मतलब क्या होता है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन बंध किसी के ऊपर जा रहा होता है ना, तो मतलब है कि वहां पे दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आ रहे हैं इस वाले बंध पे, हैलोजन और कार्बन के बीच में जो बंध बना हुआ है, इस वाले बंध पे आ रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे एक बंध का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंध बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बंध पहले से, बंध पहले से, और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे था ये आपका हैलोजन और इसका इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे बंध बन गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बंध बना, तो यहाँ पे बंध बनने का मतलब इस वाले कार्बन के पास से पांच बंध हो जाएंगे, पांच बंध होना कार्बन के लिए असंभव है, तो वहां पे क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए ये वाला जो बंध होगा, यहाँ से एक बंध कहाँ पे ट्रांसफर होगा, आगे इस वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो जैसे जिसके किसके ऊपर जाएंगे, इस वाले कार्बन के ऊपर, तो जिसके ऊपर बंध जाता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके ऊपर क्या लगता है, माइनस, ठीक। तो ये एक संरचना बन गई। अब फिर आगे क्या होता है, माइनस जहां पे गया इस वाले बंध पे, तो माइनस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस इसके ऊपर आया तो क्या बन जाएगा, यहां पे ये बना लेगा एक बंध, माइनस यहां पे आया मतलब क्या बन जाएगा, एक बंध बना लेगा, यहां पे पहले से बंध था ये बना लिया हम लोगों ने, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया था, ये हैलोजन था और इससे देखो दूर आ रहा था तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया था, ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन थे, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव है। अब देखो ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, अब इस वाले कार्बन पे ये दो और दो इधर, कितने हो गए टोटल, यहाँ पे एक यहाँ पे बन जाएगा, तो इस वाले कार्बन पे क्या होगा, यहाँ पे पांच बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है
कि ये स्टेबिलिटी के कारण है। यहां पे तुरंत ही क्या हो जाता है, एक इसका वाला बंद कहां पे शिफ्ट होता है, आगे पे। जैसे माइनस वाला यहां पे शिफ्ट होगा, अगला वाला बंद अगले कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहां पे अगला बंद यहां पे माइनस शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड आ गया, यहां का इसके ऊपर शिफ्ट होगा तो यहां पे माइनस, अब फिर ये माइनस यहां पे जाएगा तो फिर बॉन्ड बनाएगा, अगला वाला बॉन्ड कहां पे शिफ्ट होगा, यहां पे। तो क्या बन जाएगा देख लेते हैं, ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हुआ माइनस आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हुआ तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे बंद पहले से लगा हुआ था और यहां पे अनुनाद का डबल बॉन्ड आया था, ये पॉजिटिव था, इस तरह फिर से बना देंगे, सेम कुछ नहीं। यहां माइनस हुआ फिर यहां पे जैसे आएगा तो यहां पे जैसे डबल बॉन्ड बनाएगा देखो, तो इस वाले कार्बन के पास में दो, यहां पे दो बन जाएगा तो चार, और एक ये पांच, है ना, तो कार्बन के पास फिर से पांच बंद होंगे, जिसकी वजह से ये कहेगा भैया ये लो अपने इलेक्ट्रॉन वापस, यानी ये बंद फिर से वहीं पे वापस चला जाएगा। तो वो क्या जाएगा, अगला संरचना हम लोग बना देते हैं, यहीं पे बना लिया जाए, यानी क्या बन जाएगा देख लेते हैं, फिर से वही आपको संरचना आ जाएगी, यानी डबल बॉन्ड यहां पे आ गया था, डबल बॉन्ड यहां पे आ गया है, और माइनस जैसे यहां पे आया तो यहां पे भी डबल बॉन्ड आ गया, एक इसका डबल बॉन्ड फिर से वापस वहीं पे चला गया है, तो हैलोजन के पास फिर से उतने ही क्या हो गए, देखो सेम पोजिशन आ गई, केवल बंधों की स्थिति बदल गई है। तो हैलोजन क्या करता है, अनुनादी संरचना प्रदर्शित कर रहा होता है, कुछ नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं, हैलोजन का जो हैलोजन परमाणु था, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, तो कार्बन के पास पांच बंद होना असंभव है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बंद आगे शिफ्ट होता है कार्बन पे, जिसके ऊपर गया उसके ऊपर माइनस, है ना, माइनस जैसे यहाँ पे आया तो इसके पास पांच बंद होते हैं, पांच बंद होने की वजह से अगला बंद आगे शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे माइनस आया, फिर आगे शिफ्ट हुआ ये बंद, फिर आगे शिफ्ट हुआ, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और बंदों की शिफ्टिंग होती गई और ये संरचना बन गई। आपको ओवरऑल यहाँ पे देखने को क्या मिला, देख रहे हो माइनस कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक ही, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, तो इसका अनुनादी संकर क्या बन जाता है, बंद देखो पहले यहां पे लगा हुआ था, यहां पे लगा हुआ था और यहां पे लगा हुआ था, और यहां पे एक हैलोजन परमाणु जुड़ा था, ठीक है, तो घूमते हुए बंद कहां पे आ रहा है, आंशिक रूप से बंद यहां पे लग रहा है, यहां पे भी आंशिक रूप से आ रहा है, यहां पे भी आंशिक रूप से आ रहा है, यहां पे आंशिक रूप से आ रहा है, तो कहने का मतलब इस पोजिशन पे सब बंद लग रहे हैं, ठीक है, और माइनस कहां पे, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस और यहां पे माइनस, तो कहने का मतलब है ये क्या है, एक तरीके से अनुनादी संकर कह सकते हो आप, अनुनादी संकर, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हो एक हैलोजन में माइनस माइनस प्रभाव यहां पे दिख रहा है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है, ये इससे इसके अभिक्रियाओं की बहुत बड़ी गुत्थी सॉल्व होती है, कहने का मतलब इसके अभिक्रियाएं बहुत आसानी से आप कर पाओगे, अनुनादी संरचना यदि आपको आ गई तो, ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं, चलो क्या यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है कि ये जो कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक है, अब देखो माइनस प्रभाव आ रहा है ना, अब यहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है, आंशिक क्या आ रहा है, आंशिक द्विबंध आ रहा है, आंशिक द्विबंध होने के कारण ये हैलोजन परमाणु जल्दी से टूट करके दूसरा यहां पे प्रतिस्थापित अभिक्रिया नहीं देता, यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, नाभिक स्नेही वाली अभिक्रिया, है ना, नाभिक स्नेही आकर के इसको क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, तो हैलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं देते, क्योंकि हैलोजन और कार्बन के बीच में क्या होता है, आंशिक द्विबंध होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं देते, क्योंकि डबल बॉन्ड आसानी से यहां पर नहीं टूटा होता है, ठीक है। दूसरा, ज्यादा विद्युत ऋणी हो जाता है, जिससे क्या होता है कार्बन, तो वो भी तभी इसको विद्युत ऋणी होने की वजह से कार्बन को जल्दी बाहर नहीं जाने देता, इस वजह से क्या होता है कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं देता, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि यहां पे हैलोएरिन में हैलोजन परमाणु, हैलोएरिन में हैलोजन परमाणु क्या होता है, आर्थो तथा पैरा निर्देशी होता है, हैलोएरिन में हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु क्या होता है, आर्थो तथा पैरा निर्देशी होता है, निर्देशी होता है,
यानी ये निर्देशित करता है किसको, इलेक्ट्रोफाइल को, पॉजिटिव वाले को, कि कहां पर आके जुड़ो, आर्थो और पैरा पोजिशन पे, क्योंकि माइनस यहां 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 आ रहा, ये वाली पोजिशन होती है आर्थो की, है ना, ये जो पोजिशन है ये आर्थो की है, ये पैरा पोजिशन है, और ये भी आर्थो की हो जाएगी, ठीक है, ये भी आर्थो की पोजिशन हो जाएगी, और ये वाली मेटा की पोजिशन रहती है, ठीक है। तो माइनस कहां कहां पे आ रहा, आर्थो पे पैरा पे, है ना, आर्थो मतलब पैरा, ठीक है, आर्थो और पैरा पे आ रहा है, आर्थो पे आ रहा, पैरा पे आ रहा है, फिर आर्थो पे। तो ये जो हैलोजन परमाणु है क्या क्या निर्देशित कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को, कि आर्थो और पैरा पे जाके जुड़िए। कहने का मतलब है हैलोजन का हैलोजन परमाणु आर्थो और पैरा निर्देशी होता है, ठीक है, इसको आप इस अनुनादी संरचना के द्वारा, अनुनादी संकर के द्वारा दर्शा सकते हो, ठीक। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अभिक्रिया होनी होगी तो आसानी से आएगा वो आर्थो पे और पैरा पे जुड़ जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा आसानी से, है ना, एक बार आर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे जुड़ेगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यानी यहां से एक बात और भी क्लियर होगी कि ये जो हैलोरिन्स है, हैलोरिन ये कौन सी अभिक्रिया देंगे आसानी के साथ में, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया जिनके ऊपर प्लस होता है, जिनके ऊपर प्लस होता है, जैसे NO2 प्लस हो गया या और डेट सारे हैं ना, जिनके ऊपर भी प्लस होता है वो आसानी से इसके साथ अभिक्रिया कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जिनके ऊपर माइनस होता है यानी नाभिक स्नेही जो होते हैं वो क्या होंगे, ये आसानी से अभिक्रिया वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये था ये इसका अनुनादी संकर का, अब हम लोग इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी करेंगे, इसकी महत्वपूर्ण अभिक्रिया को डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है।